हमारे साथ हैं बाबा बालकनाथ। बाबा जी, आपने इस चुनाव को भारत पाकिस्तान का चुनाव कह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिस प्रकार से जो सामने वाले पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से ये घेराबंदी की है, ध्रुवीकरण की राजनीति की है, और उन लोगों के पास में जो हमको खबर मिली है, सूचना मिली है, जिसके माध्यम से उन लोगों ने बाहर की जो ऐसी कुछ ताकतें जो हमारे देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ाव रहता, जिन ताकतों का ऐसी कट्टरपंथी सोच के लोगों ने जिस प्रकार से वहाँ पर हमारे मेव भाइयों को दबाने का काम किया है, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, उनके बातों को रोकने का काम किया, उनको बंधक बनाया है। मुझे लगता है कि इसमें देश विरोधी ताकतें इस चुनाव में आई हैं और जो उसका समर्थक कर रही हैं, तो इस नाते मेरा मानना है कि ये एक तरह से हमारे देश का और ऐसी ताकतें जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ में संघर्ष है और इसमें हमारा पूरा तिजारा की जनता एकजुट है। कांग्रेस तो कह रही है कि ध्रुवीकरण आपने कर दिया, आप सीएम हाउस को फतवा हाउस कहते हैं, क्यों नहीं? सीएम हाउस है फतवा हाउस, वहाँ से फतवा जारी नहीं हुआ क्या? सीएम हाउस से हमारे धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया, सीएम हाउस से PA5 को परमिशन दी जाती है, सीएम हाउस से हमारे जोधपुर के अंदर हमारे भगवान ध्वज को लहराने पर प्रतिबंध लगाया गया, सीएम हाउस से ये नोटिफिकेशन जारी होता है कि रमजान के महीने पे वहाँ पर मुस्लिम भाइयों के क्षेत्र के अंदर लाइट नहीं कटनी चाहिए, बिजली नहीं जानी चाहिए। तो ये तो निश्चित रूप से स्पष्ट खुद कांग्रेस ने किया है कि वो फतवा हाउस है। अच्छा, दूसरा, अभी जो कैंडिडेट आपके सामने वाला, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर गो तस्करी का काम है वो तो जाट भी कर रहे हैं, मेहू भी, जाट भी कर रहे हैं, यादव भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, वे व्यक्ति जो ऐसे कार्य करते हैं, उन्होंने अपमानित करने का कार्य किया हमारे गौ भक्तों को, पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को उन लोगों ने जिस प्रकार से अपमानित करने का जो काम किया है, हिंदू समाज इसको समझता है और उनका जवाब आने वाले वोट के समय पर और परिणाम के समय पर देगा कि उनको पता लगेगा कि जो उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर या हमारे सभी जाति धर्म के लोगों के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया है, ये जनता कभी सहन नहीं कर पाएगी। आप बार बार यहाँ की सरकार को मुगलिया सरकार कहते हैं, ये तो है भैया, स्पष्ट दिख रहा है ना, तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को पार किया है राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने। इस तुष्टिकरण की राजनीति ने पराकाष्ठा को पार किया है, वहाँ पर सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी दी जाती है और ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जो करौली हिंसा में जिनका हाथ था, जो PFI के समर्थक हैं उनको वहाँ पर बिठाया जाता है। ये तो बार बार उन्होंने प्रमाणित किया अपने आप को कि हम तुष्टिकरण की वो राजनीति करते हैं। आखिरी सवाल, आपकी तुलना बाबा योगी आदित्यनाथ से की जाती है और आपके समर्थक काफ़ी कहते हैं कि आप उसी स्टाइल के अंदर काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सौभाग्यशाली कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, ये हमारा जीवन धन्य है और हमारी कर्म भूमि पर मन से भाव से हम सेवा करेंगे और अपनी कर्म भूमि को ही अपने भजन की भूमि, अपनी साधना की भूमि मानकर, क्योंकि वास्तव में सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, उसी भाव में यही हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद और उनका गुरु मंत्र है, उसी पर चलते हमारी परंपरा का जो आदेश है कि हम सेवा करेंगे और समाज, राष्ट्र और जीव जंतु, पूरी प्रकृति की सेवा कर इस प्रकृति के उत्थान के लिए हम अपने जीवन। एक सवाल और है, अगर आपको CM के रूप में जिम्मेदारी दे दी जाए तो आप अगर पहला काम कौन सा होगा जो? देखिए भैया, मैं अपनी कर्म भूमि पे हूँ और मेरी कर्म भूमि की सेवा के लिए मुझे सौभाग्य मिला है, मैं अपनी कर्म भूमि की सेवा करूँगा, इतना ही कहना चाहता हूँ।